Let us see a very simple application or the basic application of the formula which we have just done, which is the example number one. आप निकालेंगे example number one में दे रखा है कि एक loop है and उसका area जो है mean area it is given as 500 square centimeter. Magnetic field is given as 0.4 gauss. Total number of turns है 1000 और resistance है उस loop की 10 ohm. Now in the first part we have to calculate the net flux. नेट फ्लक्स कितना होगा? डेल्फाई विल बी इक्वल टू फाइव वन माइनस फाइव टू. इनिशियली वो जो है इनिशियली इस तरीके से प्लेस्ड है कि द थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया इज जीरो. फाइनली थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है और इसको रोटेट करने में टाइम लगता है 1/10 सेकेंड. ठीक है ना. सो फाइव टू माइनस फाइव वन, फाइव वन क्या होगा? फाइव वन विल बी बी डॉट ए एन बी ए एन नंबर ऑफ अगर 1000 टर्न्स होते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो एन टाइम्स हो जाता है. राइट. सो दिस इज 1000. अब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा विच इज 0.4 इंटू 10 रेशियो और माइनस 4 टेस्ला इंटू 500 इंटू 10 रेशियो और माइनस 4. ये मीटर स्क्वायर में हो गया एरिया. ठीक है. तो ये आ गया आपका 51. 52 क्या आएगा? इसमें एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया. सो इट विल बी यहां पे कॉस 0 डिग्री था, यहां पे कॉस 180 हो जाएगा. सो दैट विल बी माइनस एन बी ए. ठीक है. ये होगा 52. तो 51 माइनस 52 क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2 एन बी ए. ठीक है. जिसकी वैल्यू आएगी आपकी डेल फाइव विल कम आउट टू बी मॉड ऑफ डेल फाइव विल कम आउट टू बी 4 मिली वेबर. ठीक है. यह है मिली वेबर. सो अब इसके अंदर एक और निकालना है. अनदर थिंग विच वी हैव टू कैलकुलेट इज द ईएमएफ, द ईएमएफ जो जनरेट होगी. ठीक है. तो ये कितनी होती है? ये डी फाइ बाय डी टी होती है. इतना डी फाइ था, सॉरी 4 इतना डी फाइ था, डी टी कितना है? 10 रेस और माइनस 1. सो दैट विल बी 0.04 वोल्ट. ठीक है. 0.04 वोल्ट. अब करंट निकालना है. करंट कितना होगा? ई एवरेज अपॉन आर. आर दे रखा है आपको 10. सो दैट विल बी 4 मिली एम्पियर. ठीक है. और एक और चीज निकालनी है इसके अंदर, क्यू. क्यू क्या होगा? चार्ज कितना होगा? आई इंटू डी टी. इतने टाइम में इतना करंट फ्लो करा होगा. ठीक है. इंटू डी टी कर देंगे तो आपका आ जाएगा. सो दिस विल बी 400 माइक्रो कूलम. ठीक है. तो ये बहुत बेसिक सी एप्लीकेशन थी. अब इसके आगे चलते हैं. विल सी द लेंजेस लॉ और फिर असली रियल क्वेश्चंस पे आएंगे जो कि आईआईटी में या फिर मतलब कॉम्पिटिशन्स के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था जो आपका मतलब सीबीएसई में पूछा जाएगा या फिर ऐसी मतलब आपको बस एक पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें इस तरीके से निकाली जाती है. ठीक है. नाउ वी कम टू